सवाल आपके, जवाब हमारे। म्यूजिक से जुड़ी सभी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे कह रही थी तू उस बाग बंधन में, सोनिया ओ सोनिया तुम्हें देखता तो सोचता बस यही तुम जो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं चकिंग स्टाइल के ऊपर। काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे, 2-3 कमेंट, तो अभी मैं फ्री बैठा हुआ था तो सोचा बना देता हूँ वीडियो। चकिंग स्टाइल गाइज बहुत ही सिंपल एक लेसन है, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ। अगर आप एक इंटरमीडिएट हो देन आप अपनी हैंड से भी चक कर सकते हो, ठीक है, हैंड से मतलब फिंगर स्टाइल लेते हुए आप चक कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप एक बिगिनर हो देन आप पिक से जब स्ट्रम देते हो तो पिक के सारे आप चकिंग बोलो। चक क्या होता है? चक एक साउंड है जो कि हम जब ये वाली साउंड है जब हमारी हैंड के इस पोजीशन से, ठीक है, पाम के इस यहाँ से हम लोग जब टोटल स्ट्रिंग को म्यूट कर देते हैं एक रिदम में कंटिन्यू प्ले होते होते उसको हम चक बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो कुछ नहीं रहा, इतना सुंदर ब्यूटीफुल साउंड करता है, बट ये क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, कुछ है नहीं, आपको सिर्फ इसकी एक प्रैक्टिस है, बस आप करो आपको आ जाएगी। ये आज मैं डाउन डाउन अप डाउन अप मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न पे यूज़ कर सकते हैं। ये पहली मेरी स्ट्रमिंग रहेगी डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है, डाउन डाउन अप। आप एक बिगिनर हो तो पिक से ही आप ये करना स्टम देना, एंड अगर इंटरमीडिएट हो चुके हो तो इसकी आप क्या लेसन है मैं बताता हूँ। ये हम क्या करते हैं, डाउन चक अप अप चक अप। ये काफ़ी बहुत सारे जो गिटार प्लेयर्स हैं मेरे छोटे भाई लोग, उन लोगों का तो शौक होता है कि थोड़ा एक रिदम बढ़िया दे के प्ले करना गाने में, थोड़ा अच्छा सा हम लोग रिदम ऐड करें, या तो हार्ट बीट करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग ये चक स्टाइल करते हैं, या फिर कोई भी स्टाइल आपको आती है, बट एक स्टाइल करना बहुत ही जरूरी होता है गिटारिस्ट के लिए। देन तो आपको ये करना कैसे है, तो इसका लेसन कि आपको ये करना कैसे, ठीक है, मैं ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, इसका आपको सिर्फ दो फिंगर का काम है, एक थंब का काम है, ठीक है, एंड ये फर्स्ट फिंगर का हम लोग यूज़ करेंगे, इससे हम लोग चक कर लेंगे, बाकी हमारी काम यहाँ से स्ट्रिंग को म्यूट करने में ये वाली पार्ट में काम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करें हम लोग देखो, अब इस फिंगर से हम लोग डाउन स्टम देते हैं हमारी नेल से, ठीक है, नाखून से, ठीक है, ये नाखून से आपकी आप हैबिट बना लो, डाउन एंड इससे अप होगा, ठीक है, ये थम से नहीं होता, थम का जो नेल है उससे अप, ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करो पहले, अप एंड इससे डाउन, ठीक है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, ये कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पे देख लो डाउन, ठीक है, हम लोग डाउन डाउन अप डाउन अप करते हैं, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो वहाँ पे डाउन डाउन अप के जगह मतलब जो एक डाउन डाउन है जो सेकंड वाला डाउन है वहाँ पे हम लोग चक यूज़ करेंगे, ठीक है, डाउन चक अप अप, फिर जो डाउन था वहाँ पे भी चक यूज़ करेंगे, ठीक है, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख लो वहाँ से, आप इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, डाउन चक अप अप चक अप, ठीक है, डाउन डाउन अप डाउन अप करने के बजाय हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों डाउन पे हम लोग चक करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, यहाँ से हम लोग स्ट्रमिंग सीख ही लिए हैं डाउन करना, डाउन, ठीक है, डाउन चक डाउन करते हम लोग चक करेंगे। चक क्या है, ये देखो, ये टोटल हमारी यहाँ से हम लोग यहाँ पे सिर्फ टैप कर दे रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आपके स्ट्रिंग को कुछ नहीं होता है, ठीक है, ना तो गिटार अनट्यून भी नहीं होगी, काफ़ी लोग डर जाते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो गिटार की स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी या फिर अनट्यून हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, डाउन चक, ठीक है, डाउन करते ही चक किए,
चक मतलब हमारी जो ये पाम से हम लोग सारी टोटल स्ट्रिंग को हम लोग म्यूट कर देते हैं, ठीक है। डाउन चक फिर अप करेंगे अंगूठा से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डाउन चक अप, इतना तक क्लियर है आपका? डाउन चक अप, ठीक है। फिर आता है डाउन चक अप चक अप आता है, ठीक है, अप चक अप। तो ये काफी सिंपल है, देख लो आप, दो दो भाग में डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। पहला वाला था डाउन चक अप, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, डाउन चक अप फिर अप चक अप, ठीक है। तो यहाँ से ये अप कर रहे हैं, फिर चक कर रहे हैं, फिर अप कर रहे हैं। तो स्लो में करेंगे तो कैसे होगा, डाउन चक अप चक अप, ठीक है। ये दोनों फिंगर से हमारी टोटल काम हो गया, ये तीनों फिंगर का यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग टोटल इसका काम कर लिए, ठीक है। काफी सिंपल था। एंड अगर आप एक पिक यूज करते हो, ठीक है, आपके पास पिक है, देन सेम चीज डाउन, ठीक है, डाउन करते ही हम लोग म्यूट कर देंगे, जो हम लोग इस यहाँ से कर रहे थे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इस फिंगर से कर रहे थे, एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, पिक से करेंगे। बिगिनर है पिक से करें, इंटरमीडिएट है हैंड का यूज करें, हैंड का यूज फिंगर स्टाइल करना सीखें, ठीक है। आप लोग फिंगर स्टाइल, चकिंग स्टाइल सब हैंड से मतलब उंगली से करें, पिक को धीरे धीरे छोड़ते जाएं, ठीक है। अगर आप फिंगर स्टाइल बजाने में मतलब आपको अच्छा लगे देन, ठीक है। मुझे तो यही टेक्निक ज़्यादा पसंद है, मैं ऐसे ही प्ले करता हूँ, कॉर्ड्स भी एंड स्ट्रमिंग भी एंड लीड भी प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है, आप आई होप ये लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। डाउन चक अप चक अप, ठीक है। तो यही था आज का लेसन। तो आई होप ये गाइज ये लेसन आप लोगों को पसंद आई हो, देन प्लीज एक थम्स अप जरूर करना अगर आपको अच्छी लगे तो, मतलब लाइक कर देना, एंड हमारे चैनल से सब्सक्राइब रहें ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस मैं जब भी लाऊं आप लोग नोटिफाइड हो जाओ। एंड मेरे फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूले गाइज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अच्छे से रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स लॉट। सवाल आपके जवाब हमारे, म्यूजिक से जुड़ी सभी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।